वास्तव युद्ध में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के जामिया मस्जिद के रहने वाले फरीद और राहुल ये दोनों दोस्त थे। अब जाने मैं तू तू में आकर अब फरीद मर गया और इसे मार दिया गया। तो सोचो छोटी उम्र में अब खून खराबा इस तरह होने लग गया। तो आते दिनों में जब उम्र को आ जाते हैं जब क्या कर डालते हैं ये बच्चे। तो अब तो बच्चे ही कहते हैं मगर काम तो बड़ा बड़ा है। मगर अब फरीद का तो मौत हो गया मगर अब ना जाने क्यों अब ऐसा इन दोनों के बीच में जो क्या क्रॉस हो गई जो मार पीट को आ गए। तो अब ये एक ही हादसा नहीं विजयपुर में और भी एक हादसा है। हम अगले एपिसोड में वो भी जरूर आपके सामने लाएंगे। वो भी एक बच्चों की मारपीट में ही एक व्यक्ति यानी कि एक बच्चा भी मर गया। तो अभी 14-15 साल में इतना क्रिमिनल जो माइंड इनके दिलों में दिमागों में चलता है तो बड़ा मुसीबत का क्या इनके माँ बाप क्या इनको कुछ शिकायत नहीं कल के दिन मुसीबत आ जाएगी। तो ये उम्र में जब खून खराबा क्रिमिनल माइंड होता है तो आगे चलकर इनका सोचना ही इनके लिए मुश्किल है। ताकि इस उम्र में जब खून खराबा करते हैं तो सोचो आगे चलकर ना जाने क्या क्या करेंगे ये बच्चे। तो अब 14-15 साल में खुद खेलने की उम्र होती है। अब तो इस उम्र में खुद खेलने की बजाय खून खराबा कर रहे हैं तो विजयपुर का नाम शायद और भी खराब हो जाएगा। तो अब तो फरीद तो उसकी तो मौत हो गई। अब ना जाने रमजान का महीना था शायद उनके घर में रमजान की खुशियां मनाने के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे होंगे। ना जाने कैसे कैसे ख्वाब रचाए होंगे। इस ईद में मुलाकात होती है रिश्तेदारों से दोस्तों से दुश्मन से भी गले लगाने की। ये रमजान होता है ऐसे में जब इस परिवार के बीच जब मौत होती है ना जाने उनके माता पिता को उनके परिवार के दिलों को क्या बीतती है। आखिर इस उम्र में इस तरह करने लगे आखिर इन दोनों में गलती किसकी थी या राहुल बेलुब्बी की थी या फिर फरीद की थी या फिर इसका तो डिटेल्स पूरा लेना चाहिए था मगर इस गम में कोई भी नहीं कह पाए। मगर छानबीन तो पुलिस कर रही है मगर ये गोल गुमत पुलिस थाने में तो अब ये गुनाह दाखिल हो गया है। पुलिस छानबीन में जुड़ी हुई है देखेंगे एक रिपोर्ट में।
आज हम वास्तव न्यूज से हमारे बीजेपी के जनता को आज हम ये कह रहे हैं, चुनाव आ गया है मगर फैसला आपके हाथ में, क्योंकि 5 साल तक हम झेलना पड़ता है ताकि इस चुनाव में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, फैसला आप जनता के हाथ में है। हम इतना ही चाहते हैं ताकि हमारा एक ऐतिहासिक शहर सुकून और अमन रहे, शांति रहे, हर घर घर का बच्चा युवक अच्छा रहे, ताकि यही हमारी आपसे गुजारिश है, ताकि चुनाव के लिए किसी की हार या जीत में किसी के लिए कोई मुसीबत ना झेले, क्योंकि ये तो चुनाव सिर्फ 5 साल की है मगर हमारा देश, हमारा विजयपुर शहर, ये ऐतिहासिक शहर सुकून और अमन रहे। चुनना जात और धर्म कभी ना देखिए मगर अच्छे व्यक्ति को चुन के लाइए। जय हिंद।